हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मैनुअल टाइप विंडो ग्लास है और इसमें हुआ क्या कि ये जो ग्लास है खुद से नीचे गिर गया, मतलब डोर के अंदर ही गिर गया। उसके बाद आप रोल अप करेंगे या रोल डाउन करेंगे, ये कुछ भी काम नहीं करेगा, ये नीचे ही गिरा रहेगा। और ये कंडीशन बहुत ही बुरा होता है। आप अगर कुछ ज़रूरी सामान है आपके कार में तो आप उसको ब्लॉक करके छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते हैं। और ये जनरली तब होता है, ये देखिए इस टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है इस ग्लास में, इस तरह से होल्ड किया रहता है, तो ये टूट जाता है दोस्तों। ये रस्टिंग होकर के, मतलब ये मतलब न्यू कार में आपका होने वाला नहीं है, जो कार अराउंड 10 ईयर्स ओल्ड है उसी में होगा। और यहाँ पर ये कार मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड है। तो ये देखिए, ये जो होल्ड किया रहता है ये स्ट्रक्चर इस ग्लास को, यही टूट के आपका गिर जाता है। तो कुछ ऐसा कंडीशन होता है ये, ठीक है। तो ये हाल होता है और बहुत ही गंदा कंडीशन होता है। तो ये देखिए, मैंने न्यू परचेस किया है और इसे हम लोग फिट करेंगे। बट फिट करने के पहले मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगा, नहीं तो फिर इसमें एडहेसिव अच्छे से पकड़ेगा नहीं। उसके बाद इसे हम लोग लगाएंगे। और मैंने इसे बाहर निकाल लिया था क्योंकि बहुत गंदे कंडीशन में वो कार है। तो सेट कैसे करते हैं ये आपको समझ में आएगा। तो सेम जैसे सेट करेंगे एग्जैक्टली उसी तरह इसे बाहर निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस ग्लास को अच्छे से क्लीन कर लिया। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर रबर पोर्शन दिया रहता है, तो एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। इसको आपको एडहेसिव लगा करके इसमें चिपका देना है, और जैसे चिपका हुआ था एग्जैक्टली उसी तरह से चिपकाना है। और मैं यहाँ पे फेविकॉल का हीटेक्स यूज़ कर रहा हूँ। ये रबर बेस्ड होता है, ब्रिटल नहीं होता है, वाटरप्रूफ होता है, तो ये मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो ये लग गया है। उसके बाद ये जो रबर है इस तरह से हम लोग इसमें अपने जगह पे इसको प्लेस कर देंगे, जहाँ पे ये एग्जैक्टली था उसी जगह पे इसे हम लोग अच्छे से प्लेस कर देंगे, ठीक है। इधर वाला भी ये देखिए, ऐसे ओपन करके आप इसमें प्लेस कर दीजिए, अपने जगह पे ये आ जाएगा बहुत ही प्यार से। ये देखिए सही है। इसके बाद इसको एक बार मेज़र कर लीजिए कि ये सही आ रहा है कि नहीं, बाहर या आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। तो ये सही है, सही है, ये बेस्ट है, परफेक्ट है, ठीक है। और इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये सिलिकॉन सीलेंट है मेरे पास। यहाँ पर मैं कोई दूसरा एडहेसिव नहीं यूज़ कर रहा हूँ। सिलिकॉन का एक फ़ायदा होता है कि ये बहुत ही स्लिपरी होता है, तो यहाँ पे ये इजी हो जाएगा, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर कोई दूसरा एडहेसिव आप लगाएंगे तो उतना आपको हेल्पफुल नहीं होगा। तो ये देखिए, इसको अच्छे से आपको लगा देना है ताकि ये अच्छे से बॉन्डिंग बनाए और एट प्रेजेंट हमें हेल्प करे यहाँ पे इस पोर्शन को इंसर्ट करने में। ये देखिए, अच्छे से इसको लगा देना है, ठीक है। बहुत सही है ये, परफेक्टली बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। ये देखिए, और यहाँ भी आपको लगा देना है। ये देखिए, दोनों साइड इसमें भी लगा देना है। ये देखिए, तो ये अंदर जाने में इजी होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इसे प्लेस कर देंगे और बहुत ही केयरफुली आपको प्लेस करना है। ये देखिए, बहुत ही केयरफुली, और इसे हल्का हल्का आपको हिट करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये अंदर जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर इस तरह से करके मैं इस पर हिट करूँगा ताकि ये अंदर इजीली जा सके। तो यहाँ पे ये अपने जगह पे आ गया है, और यहाँ पे आपको केयरफुली हिट करना है। अगर आप गलती से भी ग्लास पे हिट कर देंगे तो वो टूटेगा। हालांकि ये ग्लास टेम्पर्ड ग्लास होता है, इतना जल्दी से टूटता नहीं है, बट अगर बाय मिस्टेक
आपने इधर उधर हिट कर दिया तो ये टूट जाएगा। और मेरा प्लास्टिक हैमर अभी मुझे मिल नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे मेटल हैमर का यूज़ कर रहा हूँ। कोई चोरी कर लिया है मेरा हैमर, मुझे नहीं पता चल रहा है कहाँ गया और यहीं पे रहता है। अब एग्जैक्टली किसने ले गया, मतलब आप प्लास्टिक हैमर का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सही है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो एक्स्ट्रा एडहेसिव है इसको आप वाइप ऑफ कर लीजिए। ये देखिए तो ये आपका फिट हो जाएगा। और अगर इसको आप निकालना चाहेंगे तो ये नहीं निकलेगा, बहुत अच्छे से ये फिट हो गया है। तो इस तरह से ये ग्लास को होल्ड किए रहता है। ये देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपका एडहेसिव है इसको आपको वाइप ऑफ कर लेना है। और इसको आप थोड़ी देर में भी लगा सकते हैं, बट अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ थोड़ा सा। मैंने मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो अभी मैं लंच कर ले रहा हूँ, उसके बाद आएंगे इसे हम लोग फिट करेंगे। इसी तरह से ये सेट होता है। ये देखें बहुत अच्छे से ये होल्ड कर लिया है। और इसको एक्स्ट्रा जो है इसको हम लोग हटा लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हट जाएगा पूरा अच्छे से। मैं इसका फिनिशिंग कर लूँगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सेट करते हैं इस क्लैंप को। तो दोस्तों यहाँ पे है वो डोर जिसमें से मैंने ये ग्लास निकाला था। और ये जो ग्लास है ये ऐसे नहीं निकलेगा, ये आप गैप नहीं होता यहाँ पे, तो आपका इतना गैप आपको ज़्यादा दिख रहा होगा ये गैप, तो ये गैप कहाँ से है। तो ये जो ट्रिम या गार्निश जो भी आप बोल सकते हैं, ये जो रहता है इसको जस्ट आपको खींचना है। ये क्लिप पे रहता है ये, तो पहले ये आपको बाहर निकालना है। ये आपका बाहर आ जाएगा, उसके बाद आपका ये विंडो बाहर आएगा। और ये जो इसमें बहुत सारा डस्ट है तो इसे हम लोग क्लीन कर लेंगे, नहीं तो ये ग्लास पे स्क्रैच आता है। ये देखिए, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए कोई क्लिप यहाँ भी रह गया है। ये देखिए, ठीक है, तो अब आप समझ गए। अब यहाँ पे इस ग्लास को आप बहुत ही ईजिली अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए ये बहुत ही ईजिली चल जाएगा अंदर। ये देखिए, ये एक्चुअली क्लिप जो है यहीं पे छूट गया है, तो ये आपका अंदर चला जाएगा। ये देखिए ये अपनी जगह पे आ गया बहुत ही प्यार से। और नीचे ये कहाँ जाता है मैं दूसरे साइड से आपको दिखाऊंगा, तब समझ में आएगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्लास हमने डाला है ये यहाँ पे आया है, तो इसी में हमें स्क्रू लगाना होगा। और थोड़ा सा कभी कभी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होता है। ये देखिए आपको बहुत ही केयरफुली से टाइट करना होगा। ये देखिए एक साइड का मैंने टाइट कर दिया है यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम दूसरे साइड भी हम लोग टाइट कर देंगे तो ये आपका फिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये परफेक्टली आ गया, दूसरे साइड भी होता है सेम ऐसा ही स्क्रू। तो यहाँ पे एक स्क्रू हमने लगाया है। अब यहीं पे दूसरा साइड अगर आप देखेंगे तो ये देखिए दूसरा स्क्रू आपका यहाँ लगेगा। दो पॉइंट था स्क्रू का, तो यही दो स्क्रू आपका है। ये देखिए ये आपका दूसरा स्क्रू यहाँ पे लग जाएगा। ये देखिए बहुत ही प्यार से सेट हो गया। तो यही था दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग ग्रीस डालेंगे तो ये आपका जो विंडो मतलब हार्ड ओपन होता है क्लोज होता है वो सही हो जाता है। और इसमें बहुत सारा रस्टिंग है। अब यहाँ पे मैं इसे ऑपरेट करूँ तो बहुत अच्छे से ये ऑपरेट हो रहा है, बहुत प्यार से ये ओपन क्लोज हो रहा है। ये देखिए अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए बहुत ही प्यार से ये खुल रहा है, बंद हो रहा है। ये देखिए बहुत ही प्यार से, शायद आपको दिख रहा होगा कैमरा में, बहुत तरह से। तो ये हो गया, बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, इसे हम लोग नीचे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हमने इसका गार्निश निकाला था, एक क्लिप यहीं रह गया है।
चाहिए। अब यहाँ पे ये गार्निश हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पे इसे केयरफुली हम लोग को लगा देना है और बहुत ही प्यार से लगाना है इसे, ठीक है। सारा क्लिप अंदर बैठना चाहिए, ये देखिए। ये देखिए परफेक्ट, ये आ गया बहुत अच्छे से, तो इस तरह से। और ये गार्निश जब ओल्ड हो जाए तो इसे आपको रिप्लेस भी करना होता है, तो ये देखिए परफेक्ट। और बहुत गंदा लग रहा था ये जब इसमें एक साइड ग्लास ही नहीं था, तो अब सही हो गया, ये परफेक्ट कंप्लीट लग रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई पुराना कार है और इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो अंदर का मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होता है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्यों ये नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरेगा तो आपको थोड़ा अजीब फील होगा, मतलब एकाएक ये गिर जाता है और बारिश वरिश हो तो बहुत ही गंदा सिचुएसन हो जाता है। तो इस तरह से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ इसको लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल को सब्सक्राइब किए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।